वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं मैक्रोनी, वाइट सॉस मैक्रोनी, जो आज मैंने ही ट्राई की है। बहुत ही लाजवाब डिलीशियस टेस्ट था, तो चलो बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए बॉयल वाटर। हम पैन रखेंगे, उसमें पानी को बॉयल करेंगे, जिसके अंदर हमने नमक और लिटिल बिट ऑयल ऐड किया है। बॉयल होने के बाद मैक्रोनी को ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए। चलिए अब हम वेजीज कर लेते हैं। वेजीज के लिए आप ऑयल या घी दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। पैन में आप घी या ऑयल ऐड कीजिए। उसमें आपको डालना है गार्लिक, जिंजर, कटा हुआ ऑनियन और जो भी आपके फ्रिज में अवेलेबल है वेजीज वो आप ऐड कीजिएगा। बेबी कॉर्न भी हो सकता है, कैप्सिकम भी हो सकता है, कैरेट भी हो सकता है और ऑनियन भी हो सकता है। जो भी आपके फ्रिज में अवेलेबल हो, प्लीज़ रिग्रेट मत कीजिए कि मेरे पास ये नहीं है। जो भी हो, खाने का मन हो तो कुछ भी खाया जा सकता है। कुछ भी खाना ही खाया जा सकता है। तो मेरे पास अवेलेबल था अनियन, कैरेट और कैप्सिकम, जो मैंने यहाँ पर ऐड किया है। अब उसमें डाला है मैंने साल्ट, ब्लैक पेपर, हर्ब्स, मैक्सिकन हर्ब्स ऐड किया है। व्हाइट सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए पैन। पैन में आप घी या बटर दोनों ले सकते हैं। मेरे पास घी अवेलेबल था, मुझे घी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, सो मैंने लिया। उसमें आपको डालना है 2 टेबलस्पून, बड़ा टेबलस्पून आपको ऑल पर्पस फ्लोर ऐड करना है। इसे ब्राउन नहीं करना है। सोते करने के बाद 1 कप मिल्क डालेंगे। इसे बहुत क्रीमी टेक्सचर बनाना है इस क्रीम को। क्रीम जब सॉफ्ट और क्रीमी हो जाए तो उसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, रेड चिली फ्लेक्स आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास चिली फ्लेक्स ख़त्म हो गई है तो मैंने रेड चिली का यूज़ किया है। ऑरिगेनो, मैक्सिकन हर्ब्स आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन चीज़ों को ऐड किया है। इसे मिक्स करूँगी और जो मेरी आधी कच्ची आधी पकी हुई सब्जियाँ थी फ्राई की हुई होंगी, इसे मिक्स करेंगे। और जो आप पास्ता उबालते हो उसके बाद जो स्टॉक बच जाता है तो उसमें से कुछ स्टॉक आप यहाँ पर डाल लीजिए। अब यहाँ पर मैंने बॉईल किया हुआ मैक्रोनी ऐड कर दिया है। इसे मिक्स करेंगे, मतलब जब आप बनाओगे तो खुशबू बहुत ही लाजवाब आएगी। और लिटरली बता रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही मज़ा आ गया। तो हमारी आप इसे लो कुक करना है आपको, लो फ्लेम में 1 मिनट्स के लिए ओनली। और देखिए कितनी लजीज वाइट सॉस पास्ता बनी है। इसे पास्ता भी बोलते हैं, मैक्रोनी भी बोलते हैं। और अगर अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही डिलीशियस डिशेस आपके लिए आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इंजॉय कीजिए। टाटा बाय।